जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, गुलबर्गे का नागरिक। वीडियो पे आने का मकसद गुलबर्गा के आवाम को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि आने वाली जुमेरात के दिन यानी 25 तारीख को एक प्रोटेस्ट मुनाकिद किया गया है। सुबह 10 बजे जगत सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक ये एक पद यात्रा होगी। प्रोटेस्ट का सब्जेक्ट बहुत क्लियर है, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये जो बीजेपी की हुकूमत में ये जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेके ये जो जुल्म उठा रहे माइनॉरिटीज के ऊपर और एससी एसटी के ऊपर, दलितों के ऊपर, इस जुल्म के खिलाफ हम लोगों को मुसलसल एहतजाज करना बहुत जरूरी हो गया है। याद रखिए, जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म करना भी गुनाह है, और जुल्म सहना गुनाह है इसलिए जरूरी है कि इस गुनाह से बचने के लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाना जरूरी है। गुलबर्ग के अवाम को हम हर हमेशा प्रोटेस्ट में ये इन्वाइट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट, हमेशा याद रखिए, जो प्रोटेस्ट होता है वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए प्रोटेस्ट होता है। आने वाले वक्त में उलमा इकरामों से भी हम गुजारिश करते हैं कि भाई उलमा इकरामों को प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट होता है ये उलमा इकरामों की प्रोटेक्शन के लिए ही प्रोटेस्ट होता है। ये जो प्रोटेस्ट करते हैं कारोबार को बढ़ाने के लिए और कारोबार ना ये होने के लिए, इफेक्ट ना होने की वजह से इसलिए प्रोटेस्ट किया जाता है। क्योंकि कारोबार का भी हम देख रहे हैं कि भाई गाय के बिल, कौ रक्षा के बिल में, कौशलटर बिल के नाम पे आज कुरैशियों का कारोबार खत्म किया गया। हिंदू और मुस्लिम के जात धर्म के नाम पे मुसलमानों से कारोबार नहीं करने के नाम पे कारोबार को रोका जा रहा, कई जगह जुल्म उठाया जा रहा। तो इस जुल्म के लिए हमको आवाज उठाना बहुत जरूरी है। गुलबर्ग के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, कारोबारी वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं 25 तारीख को, ये प्रोटेस्ट में आप लोगों को आना बहुत जरूरी है, लाजिम है आप लोगों को आना। अगर आप लोग आएंगे तो गुलबर्ग में इतिहाद हम बता सकते हैं। इस इतिहाद का मैसेज हम बीजेपी हुकूमत, स्टेट और सेंटर को हम दे सकते हैं। इस इतिहाद के जरिए से हम हमारे गुस्से को जाहिर कर सकते हैं। इस इतिहाद के जरिए से हम हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोगों को इतिहाद में आना, और इस बीजेपी हुकूमत को इस हिंदुस्तान से निकालना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, खास तौर पर वो गैर मुस्लिम जो एक सेक्युलर सोच रखते हैं, जो इस बीजेपी की जो घटिया आइडियोलॉजी है, ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, मैं वो लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाइए, क्योंकि आज जरूरी है। हिंदुस्तान को अगर हमारे को बचाना है तो हमको एक इतिहाद में आकर ये जो राजनीति, जो घटिया राजनीति चली हिंदू मुसलमान को बांटने के नाम पर, उसके खिलाफ तैरना है। और हमारे को हिंदुस्तान में एक एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, ये सब चीज़ों के ऊपर हमको काम करना है। इसलिए इतिहाद में आना हम लोगों को बहुत जरूरी हो गया है। और ये जो बीजेपी का एमएलए राजा सिंह तेलंगाना का, जो ये घटिया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किया, इसको तो बेशक अल्लाह इसको अजाब देने वाला है, अजाब अल्लाह की तरफ से तो होना है, पर जरिया हम लोग बनना है, ये याद रखिए। ऐसे राजा सिंह, ऐसे कई राजा सिंह आपको आज हिंदुस्तान में मिलेंगे। आज हम आप ये राजा सिंह दिख रहा है, तो ऐसे कई राजा सिंह पैदा होने वाले हैं। इनको पैदा होने से पहले हमको रोकना है। रोकने का तरीका फादर ऑफ अवर नेशन जो गांधी जी हमको बताए हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना है और उसके हमारे गुस्से को जाहिर करना है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो हम फादर ऑफ अवर नेशन जो गांधी जी हमको जो बताए, वो रास्ते पे चलकर हम इंशाल्लाह इस प्रोटेस्ट करते रहेंगे, मुसलसल करते रहेंगे। जब तक हमारी जान भी अगर जाना है तो हम बराबर जान देंगे, मगर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे जुल्म के खिलाफ, और माइनॉरिटीज, एससी एसटी, दलित, ये लोगों को हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर इंशाल्लाह आने वाली 25 तारीख के दिन इसको कामयाब करेंगे और ऐसे घटिया सियासतदानों को जड़ से मिटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलबर्गा सिटीजन के जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया है 25 तारीख यानी कि जुमेरात, 10 बजे से जगत सर्कल से निकलेंगे, डीसी ऑफिस को जाना है। तो तमाम गुलबर्गा शहर के नौजवान और बुजुर्गों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर इस एहतजाज को कामयाब कीजिए, क्योंकि एहतजाज का मकसद ये है कि राजा सिंह ये जो आज हमारे शान में गुस्ताखी कर रहा है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इसी के खिलाफ एक रैली रखी गई है। क्योंकि यहाँ पर राजा सिंह तेलंगाना में बोला है, ऐसे कुत्ते यहाँ पर भी भोग रहे हैं, तो ये कुत्तों की आवाज बंद करने के लिए हमें एक होके आना है। यहाँ पर हमारा माइनॉरिटीज का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एससी एसटी का ये सब का टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कमिश्नर साहब को हम पर्सनली बोल रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी एहतजाज करता है उसमें लूज टॉकिंग करता है, तो वो नहीं होना। अगर वो होगा तो उसके ऊपर
पुलिस का एक्शन होना जरूरी है। तो तमाम गुलमर्गा शहर के नौजवानों से, बुजुर्गों से, हमारे खासकर हमारे माँ और बहनों से गुजारिश है कि ठीक 10 बजे जगत सर्कल पे आइए और वहां से पद यात्रा डीसी ऑफिस तक हमारी रैली चलेगी। उस रैली को सक्सेस करने के लिए हम एक होना बहुत जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज क्या लोह व कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से गुजारा कर दे, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले पूरे हिंदुस्तानियों को मालूम है कि शहर हैदराबाद के गोशा महल के एक बीजेपी MLA जिस हरामी का नाम लेना भी मैं मेरी ज़ुबान की बेअदबी समझता हूँ, उसने मेरे और आपके आका, पूरे कायनात के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी की है। इससे पहले भी उसने बेअदबी गुस्ताखी की है और आज भी वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी कर रहा है। और पूरी कायनात को ये मालूम है कि मुसलमान सब चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, जान माल औलाद सबको कुर्बान कर सकता है, लेकिन हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान में बेअदबी हरगिज़ हरगिज़ जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान का मामला है और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर हम जान फिदा करने वाले हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम पे हम सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। नबी की शान में बेअदबी गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह कल बतारीख 25 अगस्त बरोज़े जुमेरा बावक्त सुबह 10 बजे जगत तालाब से DC ऑफिस तक शहर गुलबर्गा शरीफ में एक एहतिजाजी रैली निकाली जा रही है, जिसमें मैं शहर गुलबर्गा शरीफ के तमाम अवामुन नास शमाए रिसालत के परवानों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस एहतिजाजी रैली में आप शिरकत फरमाएं और इस रैली को कामयाब बनाएं और उस हरामी मलून जो भाजपा का MLA है उसके खिलाफ FIR दर्ज करें, उसके खिलाफ नारेबाजी करें, ताकि पता चले कि मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, आका की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ शहर गुलबर्गा शरीफ के कल सुबह 10 बजे जगत तालाब पर आप जमा हो जाए, वहाँ से जगत तालाब के सर्कल पर आप जमा हो जाए, वहाँ से मुनज्जम तौर पर जमा होकर DC ऑफिस तक जाकर FIR दर्ज करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।